गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शान पटेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 देखने जा रहे हो। ओके, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 3 तक हमने देखा था, आज से हम क्वेश्चन नंबर 4 से सीखेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एयर पैरेलल एम। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर एयर लाइन एयर और लाइन एम जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। दिख रही है आपको एयर लाइन और एम दोनों पैरेलल है। यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ पे मुझे देख लीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू ए एंगल जो है ऊपर वाला एंगल, इसकी वैल्यू 110 दी गई है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमको पता है कि कोरस्पोंडिंग एंगल सो, तो वैल्यू दोनों एंगल की वैल्यू सेम होती है। जैसे कि एफ बन रहा है, कोरस्पोंडिंग एंगल मींस एफ बनना चाहिए। देखो ये एफ दिख रहा है आपको, उल्टा एफ। ओके, तो ए एंगल और ए एंगल दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। समझ में आ रहा है? कौन से एंगल्स? ये दोनों एंगल्स, ए एंगल्स और ए एंगल्स दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्लियर? समझ लो कि इस एंगल को मैं ए नेम ले लेता हूं, इस एंगल का नेम। तो ए 110 है तो ए एंगल भी कितना होगा? 110 होगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए 110 है, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है एफ, कोरस्पोंडिंग एंगल में ए एंगल और ए एंगल दोनों की वैल्यू, ए 110 है तो ए भी 110 होगा, लेकिन मुझे इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि अगर लिनियर प्लेन बन रही है, बाजू बाजू में दो एंगल है, एक ही स्ट्रेट लाइन में बाजू बाजू में दो एंगल है, तो लिनियर प्लेन बनती है। लिनियर प्लेन की वैल्यू फाइंड करनी है, लिनियर प्लेन में से दोनों एक एंगल की वैल्यू दी और दूसरे की फाइंड करनी हो तो 180 में से माइनस करते। तो मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए 110, इधर भी 110 होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो 180 डिग्री माइनस 110 कर दू, 180 डिग्री माइनस 110, तो 180 माइनस 110 कितना होगा? 70 डिग्री यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एंगल जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी मिली? 70 डिग्री। ओके, बहुत ही इजी समय। नाउ नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे हमको दो पैरेलल एम लाइन, एल और एम दोनों पैरेलल लाइन से, यहाँ ट्रांसवर्सल है उसका टी। ओके, और हमको ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड 2x। यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एंगल x दिया है और ये एंगल 2x। तो देखिए दोनों एंगल है, एक ही इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड में दोनों इंटीरियर एंगल दोनों सी बन रहा है। यहाँ पे एक ही साइड में दोनों अगर इंटीरियर एंगल्स हो तो दोनों का एडिशन 180 होता है। कितना होता है? 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है? x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे मैं x प्लस 2x दोनों का एडिशन करूं तो x प्लस 2x कितना होगा? 3x हो जाए, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3। आ रहा है समझ में? नाउ 180 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर मिलेगा मुझे? 3 6 से 18 होता है और 10 पीछे लगा, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिली? 60 डिग्री। यहाँ पे हमको x की वैल्यू कितनी मिली? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए एक ही साइड के अगर एंगल्स हो, इसी तरीके से इंटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल्स एक ही साइड के, अगर इंटीरियर एंगल्स दोनों फाइंड करने हो तो दोनों का एडिशन करो, तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, ये जो 3 जो है मल्टीप्लाई में सामने जाए तो डिवाइड में चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 60। यहाँ पे हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 60 मिल गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन हमको दी, एक एल लाइन है और एक एफ लाइन है, और उसका ट्रांसवर्जन दो ट्रांसवर्जन लाइन भी है, ए एंड बी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी टू लाइन है, ऐसे भी टू लाइन है। ओके, तो दो लाइन दो ट्रांसवर्जन है इसमें। ओके, नाउ यहाँ पे हमको ए एंगल 100 दे दिया है, यहाँ ए एंगल 80 दे दिया है, और ए एंगल हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो सबसे इजी है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पे एफ बन रहा है, देखो यहाँ पे उल्टा एफ बन रहा है, एफ बन रहा हो तो ये दोनों एंगल जो होते हैं दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों एंगल की। एफ मीन्स क्या, कोरस्पोंडिंग एंगल है ना, तो एफ एफ बन रहा है यहाँ पे, एफ में तो ये दोनों एंगल है तो कोरस्पोंडिंग हुए, तो ये 100 है तो एक्स पी कितना होगा, 100 ही होगा। ओके, सो यहाँ पे लिख देते मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 100। क्यों 100 आया, तो यहाँ पे रीजन लिखो, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहा है समझ में, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से एफ बन रहा है तो दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिए जो दोनों के आर्म्स है वो पैरेलल है। देखो ये आर्म्स का मतलब होता है कि हैंड है ना, ये आर्म्स दोनों पैरेलल है, देखिए यहाँ पे है, और ये आर्म्स भी दोनों पैरेलल है। क्लियर। इफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर हमको ट्राइंगल ए बी सी 70 डिग्री दिया है, देन एंगल डी जी सी, तो यहाँ पे एंगल डी जी सी आपको दिख रहा है वो हमको फाइंड करना है, और दूसरा भी डी ई एफ, ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड करने। याद रखिएगा कि दो आर्म पैरेलल हो तो जो जो ट्राइंगल जो बनता है, जो एंगल जो बनता है, दोनों सेम ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे 70 डिग्री बन रहा है, तो डी जी सी आर्म तो दोनों सेम ही है पैरेलल, तो डी जी सी उसका एंगल भी के एबीसी जितना ही होगा, एबीसी 70 डिग्री है तो डी जी सी भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि आर्म सेम है, इसलिए। समझ में आ रहा है। सो एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी, ये डी जी सी एंगल, ए अगर 70 डिग्री है तो डी जी सी भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का आर्म सेम है। ओके, देन एंगल डी ई एफ, ए जितना एंगल है उतना ही डी ई एफ एंगल बनेगा, डी ई एफ जो एंगल है वो भी कितना होगा, 70 डिग्री, दोनों के आर्म सेम है। अगर आर्म पैरेलल है तो उससे जो एंगल्स बनते हैं वो भी कैसे हो गए, पैरेलल, उसके जितने ही सेम हो गए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 3 जो है, एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 यहाँ पे फिनिश हो रहा है, यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज 5.3 फिनिश हो रही है। ओके, कि आज मैंने आपको जितने भी सम्स करवाए, इसको इस वीडियो को 2-3 टाइम देख लीजिए, सारे सम्स अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।